ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को महेश नवमी का शुभ मुहूर्त, महेश नवमी की पूजा विधि, महत्व, उपाय, पौराणिक कथा, ये सब कुछ सुनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और साथ में मैं माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 मई को महेश नवमी का पर्व ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी की कृपा से माहेश्वरी समाज की वंशोत्पत्ति हुई थी, अतः महेश्वरी समाज के लोग धूमधाम से महेश नवमी का पर्व मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक खटगल सेन नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी प्रजा उनसे अधिक प्रसन्न थी। राजा व उनकी प्रजा धर्म कार्यों में संलग्न थे, परंतु राजा के लिए केवल एक ही बात निराशाजनक थी कि राजा की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण राजा अत्यंत दुखी रहते थे। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए राजा ने पुत्र प्राप्ति हेतु कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिस दौरान राजा को ऋषि मुनियों ने वीर व पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, परंतु साथ ही यह भी कहा कि 20 वर्ष तक उसे उत्तर दिशा में जाने से रोकना होगा। कथाओं के अनुसार 9वें माह में प्रभु कृपा से राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके बाद राजा ने धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया और उस पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा। राजा का पुत्र बड़ा वीर व तेजस्वी था, वह जल्द ही समस्त विद्याओं में निपुण हो गया। एक दिन एक जैन मुनि उस राजा के पुत्र को अपने गांव में ले गए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर सुजान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और प्रवास के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। जगह जगह जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने वन में गए और अचानक उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। सैनिकों ने मना किया, परंतु फिर भी वह नहीं माने। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेद ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा था। यह देख राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं जाने दिया। और उन्होंने सभी सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया। इस कारण ऋषियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया और वे सब पत्थरवत हो गए। राजा ने यह सुनते ही प्राण त्याग दिए और उनकी तमाम रानियां सती हो गईं। इस सब के बाद राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गए और क्षमा याचना करने लगी। ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप विफल नहीं हो सकता, लेकिन अगर भगवान भोलेनाथ व माँ पार्वती की आराधना करो तो तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। जिसके बाद सभी ने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की। भगवान महेश व माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर सुजान की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रावती ने सारा वृतांत बताया और सबने मिलकर 72 सैनिकों को जीवित करने की प्रार्थना की। महेश भगवान पत्नियों की पूजा से प्रसन्न हुए और सबको जीवन दान दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर की आज्ञा से ही माहेश्वरी समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया था। महेश नवमी के दिन माहेश्वरी समाज के सभी लोग विधिवत रूप से पूजा करते हैं, साथ ही साधक पूजा उपासना करते हैं। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर आप भी जीवन में सुख शांति और धन पाना चाहते हैं, तो महेश नवमी के दिन इन चीजों का दान करें। महेश नवमी के दिन भगवान शिव को पूजा के दौरान धतूरा जरूर अर्पित करें। पूजा करते समय ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी दुखों का नाश होता है। महेश नवमी के दिन देवों के देव महादेव को हर श्रृंगार के फूलों से श्रृंगार करें। इससे सुख समृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है।
महेश नवमी के दिन पूजा जप तप के साथ दान करने का विधान है। अतः इस दिन यथाशक्ति तथा भक्ति भाव से दान करें। अगर आप सुख समृद्धि और धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो महेश नवमी पर नमक, तेल, घी, फल, फूल, चीनी, वस्त्र आदि चीजों का दान करें। इन चीजों के दान से व्यक्ति को मन मुताबिक सफलता मिलती है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो महेश नवमी के दिन पूजा करने के पश्चात महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी दुखों का नाश होता है। अगर आप कुंडली में राहु, केतु और शनि के बाधा से परेशान हैं तो जल में काले तिल, गंगा जल और बिल्व पत्र मिलाकर शिव जी को अर्पित करें। ओम महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। सनातन धर्म में भगवान शिव के कई दिन समर्पित हैं, जिनमें से मुख्य महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत आदि। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके अलावा एक अन्य व्रत व दिन है जो महादेव को समर्पित है। दरअसल हम बात कर रहे हैं महेश नवमी तिथि की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महेश नवमी की व्रत भगवान शंकर को समर्पित है, जो खास तौर पर महेश्वरी समाज के लोग प्रमुख रूप से मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष ये पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है महेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान से हुई थी। यही कारण है इस दिन देवाधिदेव शिव व जगत जननी देवी पार्वती की आराधना की जाती है। बोलो हर हर महादेव। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।